काल, आप सबको पता है कि 17 मई का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत विशेष बनाती है, बहुत खास बनाती है। अगर आप परेशान हैं कि आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा जिस उनके बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक पत्ता लेना होगा, उसको हल्दी में डुबा देना है, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ठीक है, कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें समय की थोड़ी सी पाबंदी है, नियम से इस उपाय को करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, फिर से हल्दी दिख रही है, तो मैं आपको बार बार बताऊंगा कि आपको इस तरीके से हल्दी की गांठ लेनी होगी, इसको अच्छे तरीके से पीसना होगा, उसके बाद पाउडर आप निकालना। ठीक है, इतना काम कर लिया। जब हल्दी का पाउडर तैयार हो जाए, फिर आपको ज़रूरत होगी एक समी के पत्ते की। किसकी? एक समी के पत्ते की आपको जरूरत होगी। अब देखो, जो एक समी का पत्ता है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस पाउडर में डुबाना, इतने अच्छे तरीके से उस हल्दी को समी के पत्ते पे लगाना कि जो हरा वाला भाग है, हरा पत्ती है, वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए, इतने अच्छे तरीके से लगाना। ठीक है, लगा दिया। अब देखो, उस पत्ते को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इसमें थोड़ी सी समय की पाबंदी है, कब जाओगे? प्रदोष काल में, मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, अगर यह उपाय आप प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं, तो रात को 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में करना। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें समय की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, नियम है कि अगर यह उपाय आप प्रदोष काल में करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो रात को 9 से 9:30 के बीच में कर लेना, उसके बाद या उससे पहले उपाय को नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, खड़े होना महादेव के शिवलिंग के पास, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है पैसों से रिलेटेड, चाहे धन रुकता नहीं हो, धन आता ही नहीं हो, कोई कमाने वाला ना हो, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक समी पत्र को समर्पित कर देना। डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से समर्पित कर देना। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर से रूठेंगी नहीं। इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर 9 से 9:30 बजे के बीच में ही कर सकते हैं, और कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, बात आई समझ में? कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। धन संपदा का मासिक शिवरात्रि का ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय था, तो उपाय को करिएगा। ठीक है, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें, मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें द नेचुरल प्लैनेट 108, और जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।